अस्सलाम वालेकुम, असमा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जॉस इन वीडियोस के लेक्चर्स प्रदान किए जा रहे हैं। लेक्चर से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात लेने के लिए हमसे रब्ता करें। फ़ोन नंबर 051-5780-562, मोबाइल नंबर 03-12-512-001। लेक्चर की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले की क्लास में मौजूद हैं। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास 3 को रिकॉर्ड करेंगे और आज हम सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट के अंदर कैसे स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन पे अपनी राइटिंग या जो भी लिखना है कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को बाकायदा शुरू करते हैं और उसके लिए हम फुल स्पीच ओपन विंडोज डी पावर पॉइंट को स्पी पेज ऐप ओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट टू एंटर MDI client multiple presentation 1. Please wait. Ready. No selection. To select an object, press tab. Okay. Slide 1. अगर आपके पास PowerPoint आप open करेंगे, तो आपके पास by default एक ही slide आएगी। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम मज़ीद slides को कैसे add कर सकते हैं। हम new slides को एड कंट्रोल प्लस एम की मदद से जो है वो हम एंटर कर सकते हैं, ले सकते हैं न्यू स्लाइड। कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मदर। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम प्रेस करता हूँ। स्लाइड टू, स्लाइड थ्री, मैंने तीन स्लाइड्स ले ली। अब यहाँ पे अभी हम स्लाइड्स स्लाइड टू अप एरो किया, स्लाइड टू, स्लाइड वन, वन ऑफ थ्री प्रेस किया तो स्लाइड वन। अब हमारी जो सबसे पहली स्लाइड है या किसी भी स्लाइड में हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम स्लाइड नंबर एक पे मौजूद हैं। हम इसमें अब टैब से नेविगेट करेंगे, टैब प्रेस करते हैं। सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर, सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर टैब प्रेस करेंगे। सब टाइटल प्लेस होल्डर, सब टाइटल प्लेस होल्डर, सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर। अच्छा, सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर ये है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल, यानी आपके किस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं। जैसा कि मैं इस वक्त बना लेता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं, सेंटर सब टाइटल प्लेस होल्डर, एंटर, एडिट। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल My country, मैं लिख देता हूँ MYCOUNTRY My country, country। अब escape presentation और मैं उस edit box से बाहर आ गया। टैब से देखते हैं, title is Microsoft PowerPoint presentation, escape, slide box, subtitle place, center title placeholder, level 1, my, enter, edit, M, Y, space, 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 what, space, C-O-U-N-T-R-Y, country, escape, object, level, my country, slide, one of three, अब हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, subtitle, placeholder, enter, edit, okay, subtitle में जाने के लिए हमने enter का इस्तेमाल किया। अब हम subtitle में कि उस कंट्री की डिटेल लिखेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ माय कंट्री, my country, country, is pakistan, pakist space, it, it, c-m-e-k-i-n-t-o-2-b-e-i-n-g-b-i-n, num lock on, edit, escape, object, level, my country, slide, enter, edit, M, Y, O, escape, center, type, sub, type, enter, edit, space, spin, bind, in, bind, space, B, E, I, N, space, G, bind, in, bind.
escape op op se, sub I enter edit m cunt nay is pack period it k n 2 bind space b e r s space a e b b e r s g b e n space escape op center sub enter as m y space cut it appear it k n 2 bind in space space and space space t o 2 1 4 14 a u g u s t august escape object center title placeholder level 1 my country subtitle placeholder level 1 my country name is ठीक है जी हमने इसके अंदर escape अब हम slide 2 down arrow करके slide 2 में आ गए यहां पे अब हम tab की मदद से फिर इसके title placeholder title. object placeholder okay जब हम second slide पे आएंगे तो हमारे पास एक edit box आएगा जिसमें हम उसका टाइटल यानी जो डिस्क्रिप्शन हम लिखना चाह रहे हैं वो हम यहां पे लिखते जाएंगे टाइटल एंटर एडिट आ टी इट ए ए ए ए ओ यू आर 4 आर यू ओ एफ एफ आर वी ई 5 ई आर ओ वी आई ए सी ई एस हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोविंसेस एस्केप इस स्लाइड में सिर्फ यही लिखना था टैप करेंगे ऑब्जेक्ट प्लेसहोल्डर ऑब्जेक्ट प्लेसहोल्डर यहां पे हम कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीजें डाल सकते हैं हम इसको फिलहाल नहीं छेड़ेंगे डाउन एरो करेंगे डाउन 4 पॉइंट्स एस्केप स्लाइड 3 3 डाउन एरो से टाइटल प्लेसहोल्डर टाइटल एंटर एडिट यहां पे अब हम लिखेंगे I S L A A A Islamaba space I S L A A A A Islamaba I S I T S it's C A P T I A L capsule is escape title placeholder level 1 Islamaba is its capsule enter edit I S it it's capture space L space A C C A P I T A L capital escape object level is हमारे पास ये तीन स्लाइड्स हमने छोटी छोटी बना ली स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं ups is my country slide 1 my country slide ये सबसे पहले हमारा टॉपिक था मेन टॉपिक था इसलिए ये सेंटर प्लेस होल्डर हमारे पास एक मर्तबा ही आया है बाकी स्लाइड्स में हमारे पास टाइटल और ऑब्जेक्ट की ऑप्शन थी अब अगर हम इन स्लाइड्स का स्लाइड व्यू लेना चाहते हैं यानी आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी स्लाइड्स आप चाहते हैं कि स्लाइड्स की सूरत में आपका डाटा चले तो अब यहाँ पे हमें स्लाइड 1 पे F5 प्रेस करते हैं F5 PowerPoint slide show presentation 1 my country slide 1 my country name is Pakistan it came into bind into 14 August ठीक है जी गलतियां कुछ स्पेलिंग्स में हुई हैं लेकिन doesn't matter आप बहरहाल स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं खैर अच्छा अब ये स्लाइड शो हमारा ओपन हो चुका स्लाइड शो एक ऑटोमेटिकली तरीके से भी चलता है और दूसरा स्लाइड शो हम मैनुअल चला सकते हैं जब हम किसी ऐसी स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं जिसमें हमने साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी देनी है चीज़ों की फिर तो हम इसको नॉर्मल स्लाइड व्यू पे चलाएंगे लेकिन अगर आपके पास कोई पिक्स हैं कोई तस्वीरें हैं जो आप चाहते हैं कि बस ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड स्टे करें और फिर नेक्स्ट स्लाइड चली जाए तो उस सूरत में हम जो इसका जो ऑटोमेटिक इसका जो एक वे है या जो इसका कि इसकी स्लाइड्स खुद मूव करें उस सीक्वेंस को जब हम प्ले करेंगे तो वो फिर हमारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होती जाएंगी अब इस वक्त हम नॉर्मल स्लाइड व्यू के ऊपर हैं यहाँ पे हमें इसका नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए स्पेस दबाना है Slide 2, it has 5 provinces. देखें, second slide पे आ गया. अब यहाँ पे मैं फिर space press करूँगा. Slide 3, Islamabad is its capital. ये इसकी
तीसरी स्लाइड की। अब हम इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को अमूमन इस व्यू में प्रेजेंट करते हैं मैनुअली कि हम बोलते जाएं, जब हमारी स्लाइड का डिस्क्रिप्शन हम बोल चुके हैं तो फिर हम स्पेस से नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए बैक स्पेस। स्लाइड 2, इट हैज 5 प्रोविंसेस। और इससे पिछली स्लाइड पे हम चलते हैं, फिर बैक स्पेस दबा के। स्लाइड 1, माय कंट्री नेम इज। स्लाइड पे पहले पे आ चुके। अब इस स्लाइड शो से एग्जिट होने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड 2 स्लाइड 3 यहां पे फिर दबाऊंगा स्पेस और ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक पे आई। एक्सिटिंग स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावर स्लाइड माय कंट्री स्लॉट। अच्छा, अब इसका दूसरा जो तरीका हो सकता है F5 पावरपॉइंट स्लाइड शो स्लाइड 3 इज लैम एस्केप माइक्रोसॉफ्ट एस्केप। हमारा एस्केप प्रेस करने से ही हमारा स्लाइड शो जो है वो खत्म हो गया। हम अपने नॉर्मल लेआउट के अंदर इस वक्त स्लाइड 1 हमें माइक आ रहा है वहां पे आ चुके हैं। तो ये स्पीच ऑन डिमांड क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब्दुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।